नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पृथ्वी की संरचना के बारे में बताएंगे, यह कैसे बनी, इसके ऊपर किस तरह से जीवन का आरंभ हुआ था। क्या आपको पता है कि पृथ्वी कैसे बनी थी और कैसे इसके ऊपर जीवन का संचार शुरू हुआ था? अगर नहीं पता है तो आज की वीडियो के अंदर आपको हम यही जानकारी प्रदान करेंगे। तो आप सुनिए कि पृथ्वी की संरचना किस तरह से हुई थी। आज से लगभग 5 मिलियन वर्ष पहले स्पेस के अंदर कई गैसों के मिश्रण के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, जो कि बहुत ही भयानक था। इसके अंदर बहुत से चट्टानों के कण यूनिवर्स के अंदर घूम रहे थे। इनमें से एक गोला बहुत बड़ा और भयानक था, जो कि आग का गोले में बदल गया था, जिसे आज हम सूर्य के नाम से जानते हैं। और इसके चारों तरफ धूल के कण और पत्थरों तथा चट्टानों के इससे घूम रहे थे। वह ग्रेविटी के कारण छोटे छोटे इकट्ठे हो गए, जो कि यूनिवर्स के अंदर ग्रहों का ग्रह के नाम से जाने गए, जो कि 108 ग्रह थे, जिनमें से हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। यह ग्रह बहुत ही गर्म तथा लावे से भरे हुए थे, जिनमें हमारी पृथ्वी भी बिल्कुल आग से लिपटी हुई थी। उस समय पृथ्वी के ऊपर सिर्फ उबलता हुआ लावा था, जो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। हार्ड सरफेस न होने के कारण कोई भी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकता था। वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं थी, सिर्फ उबलता हुआ लावा था, जो कि बहुत भयानक था। उस समय पृथ्वी के ऊपर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, जो कि 1900 डिग्री सेल्सियस उबलता हुआ लावा था। पृथ्वी के हर जगह पर सिर्फ लावा ही लावा था। धीरे धीरे लगभग लाखों वर्षों के बाद पृथ्वी थोड़ी थोड़ी ठंडी होने लगी, जिसके कारण वह जिसकी भारी भारी जो भी सोना चांदी तथा जो भी धातु थी, वह पृथ्वी के केंद्र में जा गई और हल्की हल्की चीजें पृथ्वी के बाहर की तरफ आने लगी। लगभग कई हजार सालों तक अंतरिक्ष से उल्कापिंड पृथ्वी के ऊपर गिरते रहे, जो कि आग के गोले थे, जिनके अंदर पानी तथा नमक और मिनरल्स थे। लगातार बरसते हुए उल्कापिंड के कारण पृथ्वी की सतह पर पानी जमा होने लगा, जो कि बहुत ठंडा पानी था। अगर वैज्ञानिकों की माने तो यही वह समय था जिस समय पर पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले सूक्ष्म जीव आए, जो कि पानी के अंदर रहते थे। उसके बाद वह पानी के अंदर रहने वाले जीव सर्वाइव करने लगे। वह सूक्ष्म जीव अपने आप को विकसित करने में सिर्फ सूर्य का प्रकाश लेते थे, जो कि उन्हें बहुत सी ऊर्जा देते थे, और वह बदले में ऑक्सीजन छोड़ते थे। सभी सूक्ष्म जीव लगभग करोड़ों सालों तक ऑक्सीजन को छोड़ते रहे, जिसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई थी। एक समय ऐसा आ गया था कि पृथ्वी पर सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन थी। पृथ्वी पर सिर्फ एक ऐसा दिन आ गया था कि उसके ऊपर बहुत सा पानी ही पानी हो गया था, लेकिन अंदर लावा गर्म होने के कारण पानी से ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, जो कि सतह बनाने लगे। पानी के अंदर वह सतह का निर्माण करने लगे, जबकि धीरे धीरे ज्वालामुखी भी कम हो गए। लगभग 300 करोड़ वर्ष के बाद पृथ्वी की स्थिरता आराम आराम से अच्छी होने लगी। वह लगभग 12 घंटे का दिन बनाने लगी थी, जिसमें से 12 घंटे रात और 12 घंटे दिन होने लगा। सूक्ष्म जीव भी अपने विकास के अंदर जुटे हुए थे। ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण पृथ्वी के ऊपर यह जीव एक्सपायर होने लगे, यह मरने लगे, जो कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में मर चुके थे। जो जीव बिल्कुल गहराई में रहते थे, सिर्फ वो ही जीव शेष बचे थे। ऑक्सीजन और लोहे की मिश्रण के कारण यहाँ पर बहुत सी लावा फिर से निकलने लगी। एक तरह से आज के मास की तरह हमारी पृथ्वी की धरती बिल्कुल लाल हो चुकी थी, जिसके रिएक्शन के कारण पृथ्वी पर पहली बार बारिश हुई, जो कि एसिड रेन थी, जिसके कारण पृथ्वी पर बिल्कुल बर्फ की मोटी चादर समेट गई थी, जो कि बहुत ही मोटी चादर थी, जिससे पृथ्वी का वातावरण बिल्कुल ठंडा हो गया था, जो कि बहुत ही ठंडा था। कुछ तरह से ऐसे ही लाखों वर्ष बीत गए, जिसके बाद जमीन के अंदर बचे हुए ज्वालामुखी फिर से फटने लगे, जिसके कारण पृथ्वी की सतह फिर से गर्म होने लगी। इसके बाद फिर से पृथ्वी में रिएक्शन होने के कारण एसिड रेन फिर से हो गई, जो कि फिर से पृथ्वी के सतह बिल्कुल मोटी चादर से ढक दी गई। लेकिन यह प्रक्रिया बार बार होने के कारण जो सूक्ष्म जीव थे, वह अपने आप को अपने विकसित कर चुके थे, जो कि अलग अलग सूक्ष्म जीव अलग अलग आकार में आने लगे थे। इस प्रक्रिया के बीच में छोटे छोटे समुद्री पौधे भी उग गए थे, जो कि अलग अलग प्रजाति के होते थे, जो समुद्र के अंदर ही एक जंगल का आकार ले लिया था। सूक्ष्म जीवों ने अपने आप को पृथ्वी के वातावरण के अनुसार आपस में ढाल लिया था। वह पृथ्वी के वातावरण के अंदर अपने आप को ढालने में सक्षम हो गए थे। एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट होने के कारण यह समुद्री पौधे अपने आप को विकसित कर धरती के ऊपर लाने में सक्षम हो गए थे। यह धरती पर अपने आप को ढालने में बिल्कुल सक्षम हो चुके थे। पृथ्वी के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होने के कारण यह एसिड रेन बिल्कुल ही कम हो गई थी, जिसके कारण यह समुद्र में रहने वाले जीव अपने आप को समुद्र से बाहर लाने लगे। वह अपने आप को दूसरी तरह से विकसित करने लगे। लगभग
ऑक्सीजन की ज्यादा होने के कारण ओजोन लेयर बहुत ही मोटी हो गई थी, जबकि एसिड रेन रुकनी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी। पहली बार लगभग 47 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की सतह पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगने लगे, जो कि बिल्कुल पहली और अनोखी बात थी। वक्त के साथ साथ जमीन पर अलग अलग प्रजाति के पेड़ और पौधे उगने लगे, और एक वक्त ऐसा भी आया जब समुद्र के अंदर रहने वाले जीव धरती पर आने की कोशिश करने लगे। वह अपने आप को धरती के अकॉर्डिंग विकसित करना चाहते थे। कुछ कुछ ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव जो बाहर आने लगे और धरती के अनुसार अपने आप को डालने लगे, कुछ कुछ पौधों को खाकर अपने आप को विकसित करने लगे। धरती पर उस समय उगने वाले पेड़ों की ऊंचाई लगभग 100 फीट तक की होती थी। धरती की सारी जमीन एक जगह पर इकट्ठी हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया नामक महाद्वीप मानते हैं। पृथ्वी का वातावरण स्थिर हो चुका था। अब लगभग 21 से 23 घंटे का दिन होता था। धरती पर आने वाले सूक्ष्म जीव धीरे धीरे डायनासोर्स के अंदर अपने आप को विकसित कर चुके थे। कुछ डायनासोर पेड़ तथा पौधे खाते थे, जिनका शरीर बहुत विकसित तथा विशाल हो गया था, और कुछ डायनासोर शिकार करते थे, जो कि दिखने में छोटे तथा तेज होते थे। इस तरह से पूरी धरती के ऊपर डायनासोर ने कब्जा कर लिया था। धरती के साथ साथ आसमान में भी यह उड़ने लगे थे। धरती की सारी जमीन एक जगह पर इकट्ठी होने के कारण यह रेगिस्तान तथा बंजर हो चुकी थी। जहाँ पर जंगल होते थे, वहीं पर समुद्र भी होते थे, जहाँ पर डायनासोर अपना राज ज्यादातर करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया था, जिसके कारण जमीन को भरपूर मात्रा से पानी मिलना शुरू हो गया था। वह बंजर से हरियाली में तब्दील हो गई थी, जिसके कारण डायनासोर भी बहुत विशाल तथा बहुत ज्यादा प्रजातियों में तब्दील हो गए थे। उस समय अफ्रीका से टूटकर भारत सीधा ही तिब्बत के अंदर जा टकरा, जिसके कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया था। इसी तरह से पृथ्वी बिल्कुल धीरे धीरे से अपने आप को जीवन जीने योग्य बनाने में सक्षम हो चुकी थी, लेकिन डायनासोर लगभग 20 से 30 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के ऊपर आसानी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन उनके साथ भी एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके कारण वह विलुप्त हो गए। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला पार्ट हम डायनासोर के ऊपर ही बनाएंगे। तो धन्यवाद।